ओ तेरी यार, ओए शिट शिट शिट, ओए ओए फेंक दिया घोड़े ने, ओए साइड पर हो जाओ, साइड पर हो जाओ। और यार दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है यार। इस टाइम जाहिद भाई इतने रेडी होके फजर के बाद कहाँ निकल रहे हैं यार, कहाँ निकल रहे हैं ये आपको आगे चल के बताऊंगा। टाइम शॉर्ट है, बहुत दूर जाना है। अरे भाई दिलों को थाम ले यार, जाहिद भाई का जो शौक है ना वो आज आपको पता चलेगा। एक्चुअल जो मेरा शौक है वो क्या है और मेरी उसमें मजबूरी क्या है, ये भी आज आपको सारी स्टोरी पता चलेगी। लेकिन पहले यकीन करें, आज वाकई में ना फायर आ रहा है। मैं आपको भी दिखाता हूँ जाहिद भाई का शौक। ओए ये चीज, ओए वेलकम मेरा शहजादा। ओए हाय अब्दुल हादी, कैसा है, फील कर रहा है अभी बहने? अच्छा फील कर रहा है। पर मुझे घोड़े अच्छे लगते हैं, पर आप क्यों नहीं रखते? मैं क्यों नहीं रखता? हाँ। यार मुझे एक बात बता यार, अब्दुल हादी तूने सवाल कर दिया, ये तूने बच्ची वाला सवाल कर दिया। अब यही सारे मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे होंगे कि हैं, आप लोग भी यही कह रहे होंगे जाहिद भाई आप क्यों नहीं रखते। अयान तुम बताओ, मैं घोड़ा क्यों नहीं रखता? हाय मेरा शहजादा, यार ये स्पेस चाहिए, ये स्पेस चाहिए घोड़ों के लिए, ये एरिया चाहिए। मैं अगर घोड़े को रख लूँ, आपको पता नहीं है यार, मैं कोई इतना क्रेजी हूँ, इतना मुझे कुछ शौक है कि इंतहा दर्जे का, कि मैं कहता हूँ कि यार मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी, वो तब पूरी होगी जब मेरे पास ऐसी स्पेस होगी। अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, दी ग्रेट राजा इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इमरान भाई दी ग्रेट, अस्सलाम वालेकुम। अरे तू भी है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चे, ठीक हो? शयान नाम है? काशान, काशान कैसे हो? आलम कैसे हो? ठीक, आप कैसे हो? कैसे हो बच्चे नादिर, ठीक हो? यार वेलकम जी, किसको? मुझे। हाँ जी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बैठे हुए ना यार, मैं खुद को वेलकम कैसे करूँ, आप लोगों ने किया ही नहीं। थैंक यू सो मच यार। इमरान भाई को आप जानते हैं, मेरा चाइल्ड हुड फ्रेंड, लोगों ने कमेंट्स में पूछा है कि इमरान कौन है। मैं कह यार आज बताता हूँ इमरान का शौक क्या है, वही शौक है, इसी ने तो चूड़े ने मुझे शौक दिलवाया यार, यही तो शहजादा है जो इतनी शहजादी चीज़ें रखी हुई है इसने। यार इमरान भाई, और इमरान भाई यार थैंक यू सो मच, आज आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, खूब करेंगे इंजॉय, यहाँ पर आज मौज मस्ती होने लगी है। माशाल्लाह यार, एक घोड़ा रेडी हो चुका हुआ है, दूसरा घोड़ा वो रेडी होकर खड़ा हो चुका हुआ है, आज हमें वेलकम करने लगे हैं घोड़े, तीसरा घोड़ा ये रेडी हो चुका हुआ है, चौथा घोड़ा ये रेडी होने लगा है, तो चार घोड़े रेडी करके यार आज हम यहाँ पर करने लगे हैं खूब मौज मस्ती, और इस मौज मस्ती में आपको भी आने लगा मज़ा। तो माशाल्लाह जुल्फे सेट कर रहा है शहजादे, सही है सही है सही है भाई, प्यारा से तैयार, यार क्या माशाल्लाह हाइट है, क्या बात है भाई, माशाल्लाह यार एक से बढ़कर एक हसीन, और अल्लाह नजरे बस से बचाए, माशाल्लाह कहते रहिएगा यार दोस्तों। यार ये भी तैयार हो चुका हुआ है, ये चेक करें यार, बस इसके बाद जाहिद भाई ने चढ़ना है ऊपर, और डगा डग पता नहीं, अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हाँ जी तैयार हो जाए, तैयार हो जाए शहजादे। और आलम ये भाई क्या बात है, यहाँ पर तो यार गॉड सी गॉड बकरी बकरियों माशाल्लाह, और ये शौक भी राय साहब ने रखा हुआ, क्या बात है राय साहब दी ग्रेट यार, माशाल्लाह यार हर चीज़ का शौक रखा हुआ। खोल 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 जल्दी कर, मैं अंदर भागना चाहता हूँ, इनको देखना चाहता हूँ, जल्दी कर चल भाई, चल भी। ओए गुड मॉर्निंग, ओए सवेरे तड़के राय साहब ने तान ठा था, कैसी हो, ठीक हो, खूबसूरत हो, बबली। अरे माशाल्लाह यार काफ़ी बकरियाँ रखी, और टक्का टुकर मारी मैंने तेरी, बड़ी वीडियो देखी ऐसी टकरे वाली, अल्लाह का वास्ता, हौसले मेरा। हाँ ये ना हो पता चले बाहर से बंदा आया और एकदम ठा। अरे भाई माशाल्लाह क्या जोपन में है यार, इसकी शरारतें इसकी मस्तियाँ चेक करें। ओए हो, अरे भाई मैं पहले से ही डर गया, अभी तो शौक पूरा करना है भाई, इसको क्या हो गया। ओए ये तो फीलिंग कर रहा है भाई। ओ भाई हौसले में रहा, अभी तो मैंने तेरे पे बैठना है, इन्होंने कहा सबसे शरीफ ये है, ये शरीफ है तो बाकी क्या हो भाई, बाकी तो इससे भी ज़्यादा फिर वो अथरे होंगे, ये अभी इतना शरीफ वाला ये हरकतें कर रहा है। अरे भाई
चलें भाई दोस्तों, दिल की धड़कने थाम लें। अब बस यार इसके बाद करने लगे हैं हम राइडिंग। जाहिद भाई रेडी हो चुके हैं। मैं कहा यार कहीं गिरते हुए ना, हम पता नहीं यार, दुआ करना यार गिराए ना घोड़ा, क्योंकि यार शौक तो बहुत है लेकिन इस पर राइडिंग मैंने प्रॉपर नहीं की। जैसे प्रॉपर समझते हैं ना स्कूलिंग या इसकी लर्निंग, वो मैंने नहीं ली, लेकिन शौक है। अब उस शौक पर मैं कितना इसको दौड़ा सकता हूँ या कितना चला सकता हूँ पता नहीं, ये तो आप लोग देख के बताएंगे और कमेंट्स में बताएंगे। जाहिद भाई आप तो ट्रेन है या आप तो बिल्कुल ही अनाड़ी हैं। ले जी, राय साहब ने पहला घोड़ा ले लिया और इसको लीड करेंगे, और उसके बाद लीड करने के साथ साथ इसको पहले यार थोड़ा वार्म करेंगे। वार्म अप समझते हैं ना, हर चीज़ के लिए वार्म अप होती है, तो वार्म अप करने के लिए उन्होंने ले लिया इसको। थोड़ा सा वार्म अप करवाएंगे, एक छोटा सा राउंड लगवाएंगे। अरे ये छोटा सा जाहिद भाई क्या कह रहे हैं, बड़ा लगा। अच्छा अच्छा यार, बड़ा बड़ा सा राउंड करवाएंगे और उसके बाद देखना फिर शाहकार। हैं भाई रेडी हो चुके हैं, काशान साहब भी। काशान भाई रेडी हो? चल यार शहजादे, अब काशान रेडी हो चुका है। काशान के पास उसके बाद इमरान और आगे राजा इमरान। भाई क्या बात है, इमरान वर्सेस इमरान, दो वो जा रहे हैं भाई और काशान भाई यहाँ पर हैं। अब देखें यार क्या ही सरप्राइज है। अब मुझे तो यार इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप लोग भगा लें। माशाल्लाह यार क्या लाइन है यार, क्या लाइन अप है, क्या लाइन अप है यार। लीड कर रहे हैं राजा इमरान और पीछे है मलिक इमरान और पीछे है काशान। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया यार। यार यकीन करें देख के दिल खुश हो गया। आलम तुम क्यों नहीं बैठे? आपको पता है बड़े अच्छे घोड़े, मैं फुल ट्रेन हूँ लेकिन फिर भी नहीं बैठ रहे। चाचू का ना डरा यार, एक तो चाचू ने थोड़ी सी हिम्मत पकड़नी है, उसके बाद चाचू को ये डरा रहा है। वो ये माशाल्लाह फुली ट्रेन है यार, हर तरीके से घोड़े को चला लेता है। घोड़े ने मस्ती वाले इस वजह से मैं बैठ नहीं बैठा नहीं हूँ। वाह लो भाई जाहिद साहब टोला पै गया यार हूँ इतने। मैं ये थोड़ी सी हिम्मत की थी, तू हिम्मत मेरी वो भी उड़ा रहा है। खैर है, जो मेरा घोड़ा आएगा ना, जो मेरा घोड़ा बादल हाँ? वो आएगा तो चला लेना, वो बहुत शरीफ घोड़ा, अच्छा घोड़ा है, बहुत। बदमाश घोड़े पे हम नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। और थोड़ा सा पूरा लीड करने के लिए राजा इमरान साहब, पीछे मलिक साहब, मलिक इमरान साहब और पीछे काशान, और उसके बाद ये इनका बंदा लीड करवा रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखें काशान के पास हालांकि जो घोड़ा है वो सही मुझे थोड़ा वाला लग रहा है, मस्ती कर रहा है, लेकिन मस्ती तो सारे कर रहे हैं, सब ने कंट्रोल में रखे हुए। आला आला रे आला आला रे आला। और देख काशान को किस तरह तंग कर रहा है, क्या ही स्टाइल मारा भाई, क्या ही स्टाइल मारा यार, खूबसूरत स्टाइल। अब यहाँ से इन्होंने इनको छोड़ना है, 1 2 3 गो करना है, और खूबसूरत स्टाइल के साथ इन्होंने रन अप लेना है। चलें भाई हम साइड पर होते हैं सारे। क्या बात है भाई, साइड पर हो जाओ जी, साइड पर हो जाओ। बेसिकली यार नेज़ाबाजी इनका शौक है और ये सारे घोड़े नेज़ाबाजी वाले हैं, नुकरे घोड़े हैं। अब नेज़े तैयार हो रहे हैं भाई, वो देखें यार यहाँ पर इन्होंने नेज़ों को तेज़ करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा आपको आज के व्लॉग में पूरा हम बताएंगे कि नेज़ाबाजी होती कैसे और क्या शौक होता है और किस तरह घोड़ों को ट्रेन किया जाता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है। चलो भाई दोस्तों यार रेडी होने लगे हैं नेज़ाबाजी के लिए, अब मज़े लेंगे वहाँ पर नेज़ाबाजी के। यार यहाँ पर क्या नायाब टाइप की सब की चीज़ें पड़ी हुई हैं यार, पड़ी हुई क्या यार, आई हुई हैं। नीचे से ब्लू है ना, हाँ। ओ देखो देखो देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह यार क्या चीज है यार, क्या चीज है यार, ये चेक करें यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड है यार एंड। ओ गया हो गया हो गया, ओ भाई किधर गया, ओ भाई किधर गया, ओ भाई ने उड़ा दिया यार। यार दोस्तों कौन सा बर्ड था ये आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है यार, बड़ा ही कोई नायाब किस्म का था, ब्लू कलर है यार, ऊपर से ब्राउनिश था और विंग्स और उसके फिदर जो थे वो सारे ब्लू थे, बहुत ही नायाब किस्म का लग रहा था। आप लोग कमेंट्स में बताएं, मुझे नहीं पता ये कौन सा था बर्ड। वो वहाँ जाके ना वो ऊपर वायर्स पे बैठ गया, ये देखें। और भाई हम यहाँ पर आए हैं तो जैसे ही हमारे घोड़ों ने एंट्री की तो इस घोड़ा, ये घोड़ा ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था, इसने तो आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। वो चेक करें यार, इसने उनको वेलकम किया या पता नहीं, बता रहा है कि मैं हूँ ऑलरेडी यहाँ पर, खबरदार आना, पता नहीं ये अपनी दहशत बना रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि यार ना आओ, हमारे शहजादे आ गए हैं यार। हाय 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 हाय, मज़ा आने लगा भाई इधर, वाह भाई वाह। यार यहाँ से ये पत्थर रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पर लगेंगे किले, किले समझते हैं ना यार, वो किले लगाएंगे और उसके बाद उन्होंने नेज़ाबाजी वाला हमें शौक पूरा करके दिखाना है। वो कह रहे हैं यार एक्चुअल जो शौक है ना हम आपको वो दिखाने लगे हैं। तो परफॉर्मेंस यार लीड करेंगे राजा इमरान साहब, मलिक इमरान पीछे और काशान उसके बाद, और दूसरा इनका साथी जोया, अरे रियाज जोया, क्या बात है रियाज जोया, वेल डन यार वेल डन।
वाह जी वाह, सारे नकरे घोड़े यार, कसम से मैं अगर राइड करना जानता होता ना तो इस टाइम एक घोड़ा मेरे पास होता, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी सीखूंगा। इमरान भाई है ना यार हमारे पास, क्यों टेंशन लेते हैं यार। यार घोड़े जा चुके हैं अपनी पोजीशन लेने, वहाँ से पोजीशन लेंगे, यहाँ पर ये किले लगा रहे हैं और वहाँ से उन्हें रन अप लेके और यहाँ पर आना है और अन्नी पा देनी है, समझे हो ना यार। लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है ये, तो यार हमने स्पेशल नेक्स्ट आगे अगर आप लोग कमेंट्स में कहते हैं ना कि जायद भाई ये व्लॉग हमें पूरा चाहिए, कि इनका कोई क्लब कोई इवेंट कोई ऐसा हुआ तो मैं वो वीडियो भी बनाने चला जाऊँगा, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो। यार मैं ये भी सोच रहा हूँ यार दोस्तों, सम टाइम यार मैं आउटडोर शूट के लिए भी वीक में वंस इन अ वीक आउटडोर शूट भी किया करूँ, इस टाइप की कोई एक्टिविटीज़ आपको दिखाऊँ जिससे आपका दिल खुश रहे और आपका दिल लगा रहे, तो यार ये चीज़ भी करनी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ज़्यादा भी इस टाइप के व्लॉग्स चाहिए, आउटडोर भी निकलें वीक में एक दफ़ा, चाहे किसी बर्ड्स में चले जाएँ चाहे किसी भी जगह पर चले जाएँ, तो यार ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग बताएँ तो मैं हाजिर मैं जाऊँगा। ओ तेरी यार, ओए शिट शिट शिट, ओए ओए फेंक दिया घोड़े ने यार, ओए यार घोड़े ने गिरा दिया, ओ घोड़ा गिर गया, ओए 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 यार घोड़ा, ओए यार ये अलग सीन हो गया, ओ यार क्या हुआ यार, ओए 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 भाई ओ रुक जा, ओ रुक जाओ साइड पर हो जाओ, साइड पर हो जाओ, ओए भाई बच्चे गिर गए, एक साइड पर हो जाओ सारे बच्चे। ओ यार इसको क्या हुआ है, ओ ये क्या सीन हो गया यार, बस बस बस, ओ यार ओ पकड़ लिया, ओ यार ये भी यार सीन है, ओ यार उफ पता नहीं यार, बस उधर से एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, ओ यार इसने तो अजीब ही सीन कर दिया यार। दोस्तों मैं हिम्मत नहीं कर सकता भाई, ये तो ट्रेन बंदे को गिरा दिया इसने और मैं उफ अल्लाह खैर करे, पता नहीं यार अभी पता ही नहीं चला, मैं तो उधर एक्शन ले रहा था उसके उस पॉइंट पर था, एकदम पता नहीं क्या हुआ। बस जी भाई जान यार ये वाला सीन तो आज पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि यार जो गिरे हैं यार उनको काफ़ी इंजरी हुई हैं, तो इसलिए आज का प्लान पोस्टपोन हो गया। तो बाकी यार बाकी हम चलते हैं यार उधर ही, डेरे भी चलते हैं यार, डेरे भी चलते हैं वहाँ पर चलते हैं, इनको लेके आए वहीं पर लेके आए। यार बहुत कुछ सोचा था लेकिन यार इंशाल्लाह फिर करेंगे, ये शहजादे कहीं नहीं जाते, अल्लाह बंदे को सेहत दे, जो हमारा यार शहजादा बंदा गिर गया ना अल्लाह उसको सेहत दे, तो बाकी ये चीज़ें तो होती रहेंगी। हाँ भाई आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, शाबाश बस भाई यार वापस लेके जा रहे हैं। वापसी का सीन है भाई, फार्म हाउस पे चलते हैं, बाकी शूट वहाँ पे करते हैं। आ जा भाई आ जा, यार दोस्तों यार खूब एंजॉय किया, मज़ा आया, राइडिंग का भी मज़ा आया, मेरा दिल इतना ही था जितने मैंने राइडिंग की है, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत थी कि मैंने कहा जितना आता है उतना ही करो, औकात से बाहर नहीं हो, कहीं ये औकात से बाहर ना हो, समझ गया ना, तो बस इतना ही रहना चाहिए जितना आपको आता है, ज़्यादा नहीं फनकारी करनी चाहिए भाई, इज्जत रख ली तुमने मेरी काफ़ी है, थैंक यू सो मच। अच्छा यार दोस्तों एक मिसहैप हुआ, लेकिन खैर खैरियत से हम फार्म हाउस में आ गए, फार्म हाउस में आके यार यहाँ घोड़े हमने बिल्कुल काटियाँ छाटियाँ उतार दी और अब इनको रेस्ट के लिए छोड़ दिया। जिस घोड़े ने मस्ती की थी उसको तो इन्होंने कहा यार अब हमने रोज़ डेली ना, क्योंकि यार वो अरसे बाद निकला, तो यार अरसे बाद निकला क्योंकि उसको ज़ख्म था, उसके बाद वो निकला तो उसने आज ना बस आउट ऑफ कंट्रोल ही रहा है, लेकिन यार अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से है। बस हॉस्पिटल से हमें कॉल आए कि यार कोई ज़्यादा मिसहैप तो नहीं हुआ, अल्लाह रहम करे, अल्लाह अपना करम रखे उन पर, और जैसी कोई कॉल आती है तो हम फिर उसके बाद अपडेट के बाद यहाँ से निकलेंगे और आपसे लेंगे इजाज़त। आज का व्लॉग यार बड़ा हमने स्पेशल किस्म का बनाना था लेकिन वो बीच में ही रह गया, तो यार दोस्तों इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर यहाँ पर आएंगे एक खूबसूरत सी वीडियो के साथ, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और ऐसे व्लॉग अगर आपको डिमांडिंग है तो हम आते रहेंगे और बनाते रहेंगे।